31 मई 2023 अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों सजनों और बेलियों, मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। जी हां, टाइटल को पढ़ के ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरी छत बनने वाली है फ्रूट फैक्ट्री, यानी सब्जियां उगाने के लिए और फल उगाने के लिए एक छोटी सी फैक्ट्री, जिसको रूफ टॉप गार्डन भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने इसको नाम दिया है फूड फैक्ट्री का, क्योंकि हमने सब्जियां जो उगानी हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं बिज़ी हूं, अभी मैं अपने ट्रॉपिकल गार्डन में हूं, कल से बारिश भी हो रही है, रात से कुछ दिनों से मौसम काफ़ी ठंडा भी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। आजकल के दिनों में बारिशें होती नहीं हैं, लेकिन फिर भी हो रही हैं और ठंडक भी काफ़ी बढ़ गई है। अभी यहाँ की सफाई भी कर रहा था, कुछ सेटिंग भी करनी थी, जो कि ये रैक आप देख रहे हैं, यहाँ पर पहले लकड़ी का रैक पड़ा हुआ था, आपने देखा था, लेकिन यहाँ पर अब लोहे का लंबा सा स्टैंड आ गया है, जो कि तीन पार्टीशन वाला है, एक नीचे पार्टीशन है, एक पार्टीशन ये और एक ये। अब ये क्या होगा, इसको मैंने काटा नहीं है मज़ीद, क्योंकि आने वाले टाइम में सर्दी के दिन शुरू होंगे, तो सर्दी के दिनों में हमने कलमें भी लगानी होंगी, तो नीचे वाले दो रैक्स मैं इस्तेमाल करूंगा, शेल्फ्स को इस्तेमाल करूंगा कलम और बीज लगाने के लिए, और ऊपर से पॉलीथीन से इसको कवर भी कर दूंगा। एक बड़ा रैक हमारी दूसरी छत के ऊपर है, अभी आपको वो भी दिखाता हूँ, वहाँ पर तेज़ बारिश है, यहाँ पर ग्रीन नेट है, इस वजह से बारिश का सही अंदाज़ा हमें यहाँ पर नहीं हो रहा, लेकिन मेरे ऊपर बूंदाबांदी और कैमरे के ऊपर भी बारिश पड़ रही है। तो थोड़ी सी यहाँ पर मैंने सेटिंग की है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने वेजिटेबल गार्डन को ज़्यादा से ज़्यादा अरेंज करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उन्हीं के ऊपर दूँ, यानी सब्जियाँ उगाने पर और फल वाले पौधों पर, कि कौन से फल वाले पौधे गमले के अंदर कामयाब रह सकते हैं। वो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह मेरा प्लान है, मैं फल देने वाले पौधे भी छत के ऊपर लगाने वाला हूँ, जो कि गमलों के अंदर ही फल देंगे। ये जो अभी सेटिंग कर रहा हूँ वो तो कर ही रहा हूँ, लेकिन बारिश की वजह से मैं ज़्यादा काम अब नहीं कर पाऊँगा। अभी पौधों को 3 दिन हो गए मैंने पानी भी नहीं दिया है। ये अंगूर की बेल, क्या मिट्टी देखिए, ये बिल्कुल तकरीबन ड्राई हो चुकी है, क्योंकि वक्त के साथ साथ बारिशें भी होती हैं, लेकिन हर जगह पर बारिश नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ऊपर ग्रीन नेट लगा हुआ है। और यहाँ पर स्टैंड के ऊपर मैंने सेंचेजिया के बहुत सारे पौधे सजा दिए हैं, देखने पर खूबसूरत लगते हैं। ये ट्रॉपिकल गार्डन ही रहेगा, ज़्यादातर ऐसे पौधे ही रहेंगे जो कि परमानेंट पौधे होंगे, जल्दी मरते ना हों। हैंगिंग पॉट्स को भी लटकाना है, यहाँ पर मैंने कुछ हैंगिंग पॉट्स को लटका दिया है, अभी इनकी सेटिंग करनी है, अरेंज करना है कि कहाँ कहाँ पर इनको लटकाना चाहिए, जहाँ पर धूप ज़्यादा ना आती हो वहाँ पर ही ऐसे पौधों को हम लगाएंगे। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ अपने गार्डन का ओवरव्यू, क्योंकि यही एंट्रेंस है, तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इस साइड पर भी रैक है और साथ में गमले जुड़े हुए हैं, और इस साइड पर भी बड़ा रैक आ गया है, जहाँ पर मैं खड़ा होकर प्रोपोगेशन का काम भी कर सकता हूँ, पौधों को रिपोर्ट करना हो, पौधों की कटाई करनी हो, तो यहाँ खड़े होकर आराम से काम अपना कर सकता हूँ। पहले लकड़ी का था, तो लकड़ी को पानी लगने की वजह से लकड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है, लेकिन ये लोहे का स्टैंड है, इसको कुछ नहीं होगा जल्दी। चलिए दूसरी छत के ऊपर चलते हैं। दूसरी छत के ऊपर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऊपर शेड नहीं है, डायरेक्ट बारिश में हूँ मैं इस वक्त, तो ये ग्रीन नट का शेड है, यहाँ पर आता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, एक और अंजीर हमारी पक गई है, इसको भी मैं उतार लूँगा, और एक ये भी पकी थी, लेकिन इसको चिड़िया ने सुबह सुबह ही खा लिया, कोई बात नहीं, उनका भी हक बनता है। मैं आज ही ये बैंगन भी उतारने वाला हूँ, छोटे छोटे साइज़ के हैं, लेकिन अब अगर इनको और ज़्यादा इंतज़ार करवाया तो ये पक जाएंगे, खाने के काबिल नहीं रहेंगे, कड़वे हो जाएंगे, इनके अंदर बीज बनना शुरू हो जाएंगे, जो मोटे हो जाते हैं बीज, इसलिए हम इसको आज उतार लूँगा और इसको तवे के ऊपर तल कर मज़े के साथ खाऊंगा। इस जगह पर देखिए जनाब, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, मैं कैमरे के ऊपर कुछ डाल लूँ। तो जनाब, इस जगह पर भी मैंने स्टैंड को एक लंबा सा स्टैंड यहाँ पर जोड़ दिया है, पीछे वाली साइड पर एक स्टैंड लगा हुआ था, जो कि दूसरे टेरेस के ऊपर शिफ्ट कर दिया, आपने देखा है अभी। तो यहाँ पर डब्बों के अंदर मिट्टी भर के मैंने सब्जियाँ ही शिफ्ट कर दी हैं, इसमें बैंगन के पौधे हैं, 2 गमलों में मैंने बैंगन के पौधे लगाए हैं, जिनको बैंगन भी अभी लगे हुए हैं छोटे छोटे साइज़ के, और साथ में शिमला मिर्च मैंने लगा दी है, शिमला मिर्च भी लगी हुई है, और इसके साथ मैंने हरी मिर्च के 2-2 पौधे लगाए हैं। तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह अरेंज करूंगा। अभी इस रैक को भी मैंने काटना है, यहाँ पर नीचे बिछा कर इनके ऊपर ग्रो बैग्स रखूंगा, डिब्बे रखूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा जगह का यूटिलाइज़ करने वाला हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सब्ज़ियाँ लगाई जा सकें और फल वाले पौधे भी लगाए जा सकें। अभी इन पौधों ने काफ़ी स्पेस ली हुई है, करेले के पौधे और खीरे की बेल ने, लेकिन आने वाले टाइम में ये ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर मैं सेटिंग कुछ अपने हिसाब से करूंगा। काफ़ी सारे मैंने गमले भी एम्प्टी कर लिए हैं मिट्टी वाले, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अब मैं बड़ी स्पेस देना चाह रहा हूं पौधों को, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ी या फिर फल देने वाले पौधे भी मिलें। तो इस छत के ऊपर ये रख दिया है मैंने, वो अपना जो दूसरे टेरेस के ऊपर हमारा पड़ा हुआ था स्टैंड लकड़ी का, इसको मैंने काट कर अलग कर दिया है, क्योंकि लकड़ी ज़्यादा देर के लिए पानी के अंदर टिक नहीं पाती। और यहाँ पर जो बड़े बड़े से गमले पड़े हुए हैं, ग्रो बैग्स पड़े हैं, इनके अंदर जो पुराने गमलों की मिट्टी निकली हुई, इन्हीं के अंदर भरी हुई है। अब मैं आराम आराम से इनको दूसरे ग्रो बैग्स के अंदर भर कर इनके अंदर ही पौधे लगाने वाला हूँ। यहाँ पर भी सेटिंग करनी है, लेकिन क्या करूँ, अभी मौसम भी नहीं है और अभी काफ़ी सारे पौधे ऑलरेडी लगे हुए हैं, जिनको पहले मैं अच्छे से ठिकाने लगा लूँ, उसके बाद ही नए पौधों की और नए फल देने वाले पौधों की प्लानिंग करेंगे।
लेकिन ये तो पक्का है कि अब मेरा ये गार्डन ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल गार्डन ही बनेगा। बस जनाब बारिश अभी काफ़ी तेज़ हो गई, अभी सफाई भी यहाँ पर हो रही थी। आज ये तोड़े आप देख सकते हैं, ये गंद के भरे हुए तोड़े हैं, ये भी उठाने हैं यहाँ से अभी, लेकिन बारिश की वजह से सारा काम हमें रोकना पड़ गया है। कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये सब कुछ साथ साथ ही चलता है। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।